शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस के ऐसे सवाल जिसमें आप फंसते हैं, और आइए इसका हम आसान मेथड जानते हैं और इसके साथ ही पूरा फुल डिटेल भी जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन में। क्या है देखिए, ऐसा 3 का पावर 33, 3 का पावर 33 और 3 का पावर 33, उसके बाद 2 का पावर 33। देखने में ये सवाल जो है वो बहुत कठिन लगता है, लेकिन है बहुत आसान। देखिए सबसे पहले बहुत लोग इसका 3 का पावर 33 कर देंगे, तो सबका 33 पावर करना थोड़ा मुश्किल रहता है। मुश्किल क्या, बहुत ही मुश्किल होगा, और उसका उतना जोड़ेंगे तो सिंपल वे में हम ध्यान से देखते हैं कि लिखा है 3 का पावर 33 है, 3 का पावर 33 है। बहुत ध्यान से समझेंगे हम, बाई फुल डिटेल इस चीज का आपको समझा देंगे कहां से ये चीज आया है। 2 का पावर 33 प्लस 2 का पावर 33, ठीक है, और आना है बराबर में है 6 का पावर x। हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि बेस को सेम करते हैं, तो इधर का जो बेस है वो कितना दिया है 6। अब सॉल्यूशन करना होगा आपको इस साइड, और किसी भी तरीके से इसका जो बेस है वो 6 कर देना होगा, क्योंकि हम पावर्स को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे 3 के पावर 33 को अगर हम 3 बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 × ध्यान से सुनिएगा 3 × 3 का पावर 33। जैसे आप सोचे यहां पे कि 3 प्लस 3 प्लस 3 को जोड़ते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, 3। 3 बार जोड़ा गया और 3 को, तो 3 × 9 होता है, इसी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो अगर 3 का पावर 33 1 बार 2 बार 3 बार है तो हम बोलेंगे कि 3 बार है 3 का पावर 33, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। पावर होता है इसका 1। अब आगे देखिएगा, इसको भी उसी तरह से तोड़ लेते हैं। 2 का पावर लिखा हुआ है क्या, 33, तो इसको लिखेंगे हम 2 गुना कितना, 2 का पावर 33 लिख देंगे। बस बहुत आसान हो गया यहां से, मतलब अब 6 का पावर x है। अब देखिए 2 का पावर 1 है। अब एक बात फिर से यहां पर आप लोग जानते हैं क्वेश्चन में कि a का पावर अगर m हो और a का पावर अगर n होता है तो हम इन दोनों का अगर बेस सेम हो और बीच में गुना हो तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो a का पावर हो जाएगा m+n। तो आप इसको जोड़िए, दोनों का बेस सेम है, बीच में गुना है और पावर्स जो है यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं, तो आप हो जाएगा यहाँ पर 33 और 1 कितना हो जाएगा 34। आप बीच में इसका कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाइड है इसके बीच में। अब आप इसको तोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 2 का पावर कितना, बेस सेम है, पावर्स जो है अलग अलग हैं लेकिन बीच में गुना है, तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। अब ये हो गया 6 का पावर x। अब इसके बाद क्या करें ये भी ध्यान से समझना होगा। देखिएगा एक और रूल कहता है क्या, उस रूल को भी आप समझिए कि यदि a का पावर m दिया हुआ है और गुना b का पावर n दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे b का पावर भी m दिया हुआ है, इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर बेस सेम ना हो इस बार पावर क्या होगा, सेम होगा। देखिएगा ध्यान से आप, पावर्स अगर किसी के सेम हो, बेस भले ही अलग अलग हो, तो हम लोग क्या करते हैं, और बीच में गुना हो तो हम लोग इसको लिखते हैं a गुना b, दोनों बेस को गुना कर देते हैं और दोनों के पावर में हम m लगा देते हैं। तो इसी चीज का हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पावर्स जो है यहाँ पर वो सेम टू सेम है, दोनों में 34 34 है, जबकि बेस यहाँ 3 है और इसका बेस 3 है। तो आप कैसे बनाएंगे इस चीज को, 3 × 2 कर देंगे, बीच में गुना है, और इसका होल पावर लिख देंगे 34, यानी 6 पावर x हो जाएगा। अब इनको गुना कर दीजिए तो 6 का पावर हो जाएगा 34 और 6 का पावर x। अब कंपेयर कर देना है तो x का पावर अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।